हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस का वीडियो है जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं एमएस टीम्स में। वो अपने क्वेश्चन अपने अपने डाउट सारे क्लियर कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। साथ में आप इस तरह की वीडियो अपडेट के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, जहां पे डायरेक्टली आप मुझसे किसी तरह का सवाल जवाब वगैरह कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हिमांशु जी, सुरेंद्र जी और बाकी लोग, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इन द पावर बीआई। जब पावर बीआई के अंदर कोई डेटा लोड करते हैं तो डेटा पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं होता है, हमें कुछ नए फीचर्स कुछ नए कॉलम्स ऐड करने होते हैं। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट कॉलम को ऐड किया जाए। तो यहां हमने डेटा व्यू में गए और डेटा व्यू में ये रहा डेटा हमारे। देखिए, कैलकुलेशन तीन तरह की होती है। पहला होता है मेजर कैलकुलेशन, दूसरा होता है कॉलम कैलकुलेशन, तीसरा होता है टेबल कैलकुलेशन। अब तीनों का अंतर हम बताएंगे आज आपको इस पावर बीआई की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं मेजर कैलकुलेशन की। मेजर कैलकुलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने यहां पे रख लिया प्रोडक्ट वाइज, मैंने यहां पे अपनी क्वांटिटी रख ली कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई, साथ में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये भी रख लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना रेट भी रखना चाहो तो रेट भी रख सकता है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट रख रहा हूं। अब मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर पीस, मतलब कि 7799 में आपका जो है कितना प्रॉफिट हुआ है, 91 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, 9 करोड़ 17 लाख का प्रॉफिट हुआ है समथिंग का। अब ये प्रॉफिट पर पीस पे कितना हो, मतलब कि सम ऑफ द प्रॉफिट को डिवाइड करना है क्वांटिटी से। अब ये चीजें मुझे करनी है और इसमें मुझे यहाँ पे तो ये भी दिखाना है, साथ में मैं अगर कार्ड लेता हूं तो मुझे कार्ड में जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी देख ली, टोटल क्वांटिटी क्या था, ऐसे मैं यहाँ पे अपना टोटल ले लिया, यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट डाल दिया कि मेरा अमाउंट कितना था, फिर यहाँ पे मैंने कार्ड एक और कार्ड लिया और इस कार्ड में मैंने अपनी प्रॉफिट को डाल दिया कि टोटल प्रॉफिट 61 मिलियन की प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए प्रॉफिट पर पीस, मतलब मुझे यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। तो देखिए, जहां पे आपको पहले इसको इसको फिलहाल इग्नोर कीजिए, जहां पे आपको जो कैलकुलेशन करना है उस कैलकुलेशन का रिजल्ट आपको सिंगल चाहिए एक जगह, जैसे सम का फॉर्म, ऐसे फॉर्मूला जो फॉर्मूला सिंगल रिजल्ट देते, जैसे सम मैक्स मीन, ऐसे फॉर्मूला जो कि जैसे डेटा इनपुट जो है लेते तो बहुत सारे हैं, जैसे पूरा कॉलम का इनपुट ले लिया पर आउटपुट जो है सिर्फ एक सिंगल रिजल्ट देते हैं, ऐसे फॉर्मूला को हम मेजर्स में लगाते हैं। तो मेजर्स के अंदर गए और हमने यहां पे बोला प्रॉफिट पर क्वांटिटी, और यहां पे मैंने क्या दिया, पहले दिया मेरा फिल नेम देन इक्वल, यहां फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला में हमने बोला सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ क्वांटिटी, सॉरी हाँ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी, और यहां पे एंटर प्रेस किया। और एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं इसको यहां पे ड्रॉप करूंगा, ये देखिए 125 रुपए 34 पैसे समथिंग का क्वांटिटी प्रॉफिट पर क्वांटिटी आप, ठीक है। तो यहां पे आ, लेकिन अगर इस इसी फील्ड को अगर मैं ऑलरेडी इसमें डालो टेबल में डालो तो यहां भी आपको दिखेगा, तो यहां ओवरऑल नहीं दिखेगा,
यहाँ पे इस पे ऑटोमेटिकली फिल्टर लग जाएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक समिंग की तरह वर्क करेगा कि 126 दिखा रहा है एक्सेस का, 129 दिखा रहा है एक्सेस का। मतलब कि आप इसको एक सिंगल रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हैं और एक टेबल पे मल्टीपल कंडीशन रिजल्ट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेजर्स कैलकुलेशंस जो होता है इसी चीज के लिए होता है। मेजर्स के अंदर में आप अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीजें कर सकते हैं। साथ में जो इनबिल्ट फंक्शन है सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ऐसे फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं। हिमांशु जी सुरेंद्र जी मेरे हिसाब से आपको मेजर्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई कि क्या होती है, क्यों होती है और कैसे क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? जी ये तो कोई क्वेश्चन किसी तरह का? नहीं सर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम कॉलम कैलकुलेशंस की। कई बार क्या होता है कि हमारी जो कॉलम हमें हमें जो है क्या करना होता है कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना हो। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे एमआरपी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लेना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस एमआरपी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट निकला हुआ है वो इसने अमाउंट को मल्टीप्लाई किया, बट मुझे अमाउंट को मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा कि मुझे इसमें इसका एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो क्या होगा कि टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग निकलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि पहले एमआरपी के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट निकालना है कि 256 का 82% कितना होगा, 285 का 54% कितना होगा, 167 का 15% कितना होगा, और फिर उसका एवरेज निकालना। तो मुझे ये देखना है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एवरेज प्रॉफिट क्या हो रहा है, तो एक बिलिंग, हाँ एक प्रॉफिट प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे एक यहाँ पे नया कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम नंबर है, यहाँ पे अपने फील्ड डालिए कि प्रॉफिट, यहाँ पे ए वी जी प्रॉफिट हमने डाल दिया। अब यहाँ पे मैं जरूर डालूंगा सम, सम नहीं माफ कीजिएगा सम नहीं, यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है ना, सम तो मेजर्स भी यूज होता है। यहाँ पे मैं बोला कि एम आर पी मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट परसेंट और एंटरप्राइज। यहाँ देखिए आप, देखिए बहुत सारे डेसिमल में है, यहाँ हम जो इनबिल्ट फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि राउंड का फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगा एंटरप्राइज किया, तो देखिए राउंड के फॉर्मूले इसमें सर एक चीज मैं रुक से, जैसे अभी आपने राउंड का फॉर्मूला लगाया तो उसका जैसे हमें एक्सेल में सिंटेक्स दिखता है तो इसमें यहाँ नहीं भी दिखता दिखता है, एक्सेल, राइट? यहाँ भी दिखता है। लगाइए फॉर्मूला राउंड का, ऑटो सजेशन आएगा और देखिए ऊपर आया था एक्सेल, राउंड नंबर ऑफ डिजिट, राउंड द नंबर, ठीक है। हाँ इसमें हेल्प, एक्सेल में क्लिक करते ही हेल्प आ जाता है, इसमें क्लिक करने से हेल्प नहीं है। ये थी हमारे फील्ड की कैलकुलेशन, हम अपने हिसाब से कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ क्रिएट कर सकते, और फिर उस कैलकुलेटेड फील्ड को हम अपने विजुलाइजेशन में जहां मर्जी वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जहां मर्जी वहां, यहाँ डाला और सम के जगह पे मैंने इसको एवरेज कर दिया, तो 124 रुपए 62 पैसे का एवरेज हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन के कॉलम का? ऐसे ही आप अपने कॉलम के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट ये सारी चीजें निकाल सकते हो, तो दो फील्ड को जैसे मर्जी वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए कि प्रॉफिट का 18% का जीएसटी निकालना है, तो टोटल जीएसटी हमने कितना पे किया, तो मैंने क्लिक किया न्यू कॉलम पे और यहाँ पे हमने दिया जीएसटी। जीएसटी
और यहां पे मैंने दिया प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 18%। यहां पे 18% का सैंपल नहीं दे सकते, गलत। अब मुझे पता कैसे चला गलत है, जब भी कोई फॉर्मूला लगाइए और नीचे इस तरह का रेड कलर का एक लाइनिंग दिख जाए लहरता हुआ, समझ जाइए कि एक गलत कुछ है। यहां पे आपको या तो 18 डिवाइड बाई 100 करना होगा या यहां पे करना पड़ेगा 0.18। अब यहां पे एन पे प्रेस कीजिए, एन पे प्रेस करते ही देखिए आपके पास आ गए। अब मुझे इसको भी राउंड करना है तो यहां पे हम इसको भी राउंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रेस कीजिए रिजल्ट। तो मेरे हिसाब से कॉलम कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब जो तीसरा है वो टेबल कैलकुलेशन। टेबल कैलकुलेशन में बेसिकली हमें इसी का एक हमें चाहिए एक नया टेबल। जैसे कि मुझे एक रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट बनानी है दिल्ली के, किसके लिए बनाना है दिल्ली। तो अब ये जो रिपोर्ट है ओवरऑल के लिए, मैं चाहता हूं दिल्ली की रिपोर्ट बन जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे अपने जो स्टोर है उस स्टोर को यहां फिल्टर और दिस पेज दिख रहा है आपको, इसमें ड्रॉप करना और यहां पे दिल्ली सिलेक्ट करना होगा। अब पूरी रिपोर्ट दिल्ली के अकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मैं ऐसे फिल्ट्रेशन नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिल्ट्रेशन करूं, तो मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि दिल्ली का मुझे एक अलग डेटा ही मिले। तो ऐसे केसेस में हम टेबल कैलकुलेशन जाते हैं। तो यहाँ टेबल टूल्स में आइए और यहां दिखेगा न्यू टेबल। अब इस न्यू टेबल में जैसे मैंने यहां पे डाला कि मुझे चाहिए दिल्ली का, तो दिल्ली। अब यहां पे वो फॉर्मूले लगाने होंगे जो रिजल्ट टेबल फॉर्मेट में देते हैं। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी के फॉर्मूले हैं, एस फॉर्मूला जो कि मेजर्स में लगाते हैं, जिसका जो सिर्फ एक सिंगल रिजल्ट देता है। दूसरा ऐसे फिर जो कॉलम में लगा दो जो कि मल्टीपल रिजल्ट कॉलम बाय कॉलम देते हैं, वैसे फॉर्मूले को कॉलम में लगा। और तीसरा ऐसे फंक्शन जो कि एक रिपोर्ट रिटर्न एक टेबल के फॉर्म में देते हैं, मल्टी कॉलम्स देते हैं, तो हमें टेबल्स में लगाना। तो यहां जैसे फिल्टर का फॉर्मूला है, हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर में हमने शीट 1 को सिलेक्ट किया और यहां हमने बोला कि शीट 1 का जो स्टोर है शीट 1 का जो स्टोर है, स्टोर इक्वल टू दिल्ली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल टू दिल्ली। आप एंटर प्रेस कीजिए, आपका यहां पे सिर्फ दिल्ली का डेटा। अब इसके ऊपर जो करना चाहे कर सकते, ठीक है। कई बार इसका यूज तो करते ही नहीं, तो नहीं उसमें जी हाँ, नई टेबल में आया यहाँ पे दिल्ली नाम का टेबल में, बट एसी से लिंक है, इसमें कोई चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज होगा। बट इससे क्या होगा कि इस पे आप दूसरे शीट पे अपना रिजल्ट्स जो अपना जो विजुलाइजेशन वगैरह तैयार कर सकते, ठीक है। सिर्फ डेटा लिंक रहेगा, इसके अलावा कोई और विजुलाइजेशन वगैरह लिंक नहीं रहे। इसका यूज एक चीजों के और करते हैं, जैसे कि मैं यहां पे स्लाइसर का इस्तेमाल करता हूं, आपने भी इस्तेमाल किए होंगे। स्लाइसर में
मान लीजिए कि मैंने यहां पे ये डाल दिए, ईयर डाल दिए, ठीक है, ड्रॉप डाउन टाइल्स कर दूंगा, ये मेरे ईयर्स हो। अब मैं 2020 पे क्लिक करूंगा तो ओवरऑल रिपोर्ट चेंज होने है ना, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे अपना डेटा, यहां यहां पे अपना डेटा चाहता हूं यहां पे, और मैं चाहता हूं कि ये जो विजुलाइजेशन, ये जो मैं ईयर डालू, सो ईयर सिर्फ मेरा इस टेबल पे वर्क करे, ना कि ऊपर पे वर्क करे। अब यही पे प्रॉब्लम है कि स्लाइसर क्या करता है, एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, टेबल से लगा हुआ, टेबल से लगा हुआ जितने भी विजुलाइजेशन है, उस जैसे मान सीट वन पर बना हुआ जितने भी विजुलाइजेशन है सब पे इफेक्ट करे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इसी का एक लिंक क्रिएट करते हैं। कैसे, देखिए न्यू टेबल पे जाते हैं, यहां करते हैं एग्जेम्प्ट एसएल के नाम से बना दिया ईएसएल, यहां पे हम देते हैं ऑल, ऑल के अंदर हम देते हैं जस्ट अपना डेटा, डेटा कौन सा है सीखना, और यहां पे देखिए लिंक क्या हो गया। अब मैं यहां इस टेबल में जो डेटा रखूंगा वो मेरा इस वाले सीट जो लिंक टेबल बनाया है उसके थ्रू रखेंगे, जैसे कि मैंने आई रखा उसको कर दिया डॉन सम टाइम, अब मुझे एक एक करके चीजें यहां पे रखते चला जाओ कि डेट प्रोडक्ट क्वांटिटी माउंट प्रॉफिट स्टोर, ठीक है, ये डाल दिए। बाकी इस पे और जो करना है कर सकते हैं। अब मैं स्लाइसर लगाऊंगा यहां पे, और इस स्लाइसर में इस ESL से ईयर लेके डाल, इसकी सेटिंग में जाके इसको टाइल्स करके, और फिर इसको उठा के यहां, ठीक है। अब मैं 2020 से क्लिक कर रहा हूं तो मेरा रिसीव कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ टेबल चेंज हो रहा है, ओवरऑल डेटा चेंज नहीं। ये थी कैलकुलेशन। अब इस पे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें।